बबजी इसे बात सुन मेरी, तेरे को नीचे हमारे साथ रहना है। ओहो हो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्टंट। वे बबजी तुम्हें चीज खाता हुआ कैसे देख रहे, अब इसे चीज भी खाना है? उसके बच्चों के साथ लगा हुआ है। ओए होए कितना खुश है बच्चों के साथ। अरे रोशनी, अरे रोशनी, ओहो हाँ शुशु अपना जरूर छोड़ेगा क्योंकि वो वहां से देख रहा है, देख रहे हो, छोड़ेगा जरूर अपना ड्रेस। ओला इज अ चीटर, ओला चीटिंग कर रही है देख ले, आधे रास्ते खड़ी हो जाती है क्योंकि अब भाग नहीं पाती उतनी तेज जितनी तेज जोई भागती है और क्लोडो भागती है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग ऑन मिथोलॉजी। और यहाँ पे सुबह सुबह राहुल और मैं गए थे नारियल पानी लेकर आए, यहाँ पे हमारा फ्रूट कटा हुआ और यहाँ पे बैठा हुआ बब्जी। सारा पी गए, सारा पीने को थोड़ी दिया था मैंने, मैंने जरा सा पीने को दिया था यार। तो राहुल कैसे हो यार, तुम्हारा तो एक घूट भी ना इतना सॉलिड होता है। और यहाँ पे मेरे लिए कटा है सेब, लेकिन उसको ग्रहण कौन कर रहे हैं, हमारे बब्जू जी। बब्जू जी को सेब बहुत पसंद है ना बब्जू जी। बब्बी ओ बब्बे अंकल, वैसे मेरे को ना दो बूंद भी नहीं नसीब हुआ नारियल पानी, सारा इस मोटे के टिड में चला गया। बब्जी तू नीचे क्या कर रहा है, नीचे सोने का? दो तीन दिन से ना ये देख रहा है कि वो नीचे जाती है, वो नीचे जाते हैं सुबह घूमते हैं। अच्छा ऊपर बालकनी से, कल के व्लॉग में भी मैंने देखा है, वो देख रहा था ऊपर से। बब्जी इसे बात सुन मेरी, तेरे को नीचे हमारे साथ रहना है। ओहो हो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्टंट, वेरी गुड, गुड बॉय, सिट डाउन। अब नीचे देख रहे कहाँ का सेब छूट गया, वहां वहां बैठ के ना खा रहा, बैठ के बैठ जा, सिट डाउन। चीज खाता हुआ कैसे देख रहे, अब इसे चीज भी खाना है। ये ले। देख कैसे रहा है सब्जी, तुझे चीज अच्छा लगता है, चीज लवर, तुम्हारी चप्पल ना अपने साथ लेके बैठता है, देख रहे हो? दूर नहीं होने देता तुम्हारी चप्पल अपने आप से, बिल्कुल जहां राहुल की चप्पल कहीं भी पड़ी हो ना, जहां बैठेगा ना अपने साथ ले आएगा। और चीज खा रहा है बैठ के यहाँ पे ना पापा के साथ, चीज लवर। हाँ ले, ओके बीच में बैठे हो आज। हाँ क्या हुआ है, भूख लगी है, क्या खाना है बब्जी को? बब्स उठो, इधर आओ मम्मा गोदी। क्या हो गया है, उदास क्यों हो गया, खड़ा हो, ऊपर जाना है, कहाँ जाना है, चल ऊपर, चल चले, चल ऊपर चलते हैं। चलने के नाम से फिर एक्टिव, कहाँ जाएगा लड्डू? हाँ कहाँ जाएगा, रॉटवाइलर बब्जी हो आप, आप रॉटवाइलर बब्जी हो, सब आपसे डरते हैं, पर आप तो बहुत पा रहे हो, आप तो बहुत लड्डू बुखा रहे हो। हाँ हो गया तेरा पैर सही, अब सही है इसका पैर? नहीं अभी भी कर रहा, थोड़ा सा कर रही है ना, जाओ जाओ अंदर जाओ। चला बब्बे आज तो तू नीचे आ गया, ये देख लो जी, आज अपनी 6 फुट डबल हैंडल लीश के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट करते, ये देखो ये देखो, उसके बच्चों के साथ लगा हुआ है। ओए होए कितना खुश है बच्चों के साथ। क्यों क्यों डरा रहा तू, इधर आ, अरे मेरा बच्चू, हाँ कुछ नहीं कहेगा बब्जी, अच्छा स्कूटी इधर आ जा, जाओ भाई जाओ, आज इसका घूमना तय हुआ है शाम के टाइम, जो भी पार्क में से निकल रहा है ना उनको धमका रही है। बस है? और यहाँ बब्जी चल पड़ा है आगे की तरफ, देख रहे हो कमांड कैसे ली हुई है, आगे की तरफ चल पड़ा है क्योंकि इसको मिलना है अब रोशनी से, चला नहीं जा रहा पीछे के दोनों पैरों से है, पर फिर भी थोड़ा सा सोच रहा है कि पुश कर लूं, थोड़ा सा पुल कर लूं,
कुछ भी कर लूं बट वहां तक पहुंच जाऊं। और ये आ गया इस फेस के अंदर, ये देखो यहाँ पे रोशनी इसको मिलेगी थोड़ी देर के अंदर। अब ये ना रोशनी ढूंढ रहा है, यहाँ पे कोई और मिल गया इसे। कौन मिल गया तुझे है? कौन मिल गया? ओहो चलो आ देखिए कौन मिला है। ओहो दामिनी और रोशनी दोनों आ गए। देखो अरे रोशनी, ओहो रोशनी, अरे दामिनी क्या हाल है तेरे है? और ये देख लो फाइनली रोशनी से मिलने आया है। रोशनी कह रही है चल बाहर आ जा, इससे मतलब ये नहीं आया है। चलो ये देखो, अच्छा मेरे बच्चों चल अट जा, कपड़े मत खराब कर हैं। इसको प्यार रोशनी से, रोशनी की आंख के ऊपर वाली सर्जरी जो हुई थी देख लो, वो भी निशान धीरे धीरे ना खत्म हो गया है ना, देख रहे हो बिल्कुल खत्म हो गया। चलो जी दामिनी की रिबकेज देखो कितनी कितनी स्किन खत्म हो गई है। ये इस पार्ट में जब से आई है इसको मुझे लग रहा है खाने ही नहीं कोई दे रहा। वो देखो प्यार कर रहे हैं, पैर इसके भी किसी ने मारा हुआ है पीछे, बहुत कमजोर हो गई है ये ठीक है। पर इसको लेके भी जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब ये उधर रहती नहीं है ना, उधर पहचानती है। ओ बब्जी अपना जेंटलमैन। ओ दो रोशनी चली गई लड़ने के लिए वहाँ पे उस तरफ, वो देखो वो चली गई और दामिनी बैठ गई इसके पीछे। और ये देखो इसका स्टांस देखो इसका, वो देखो वो सारे चले गए उधर, वो उधर ही भौंक रहे हैं। हाँ चलो बब्बे चले, अबे हमारी लड़ाई नहीं है, आजा वो अपना एरिया की लड़ाइयां कर रहे हैं। बब्जी को देखो खड़ा हुआ है, सिर्फ देखी जा रहा है कि भैया कौन भौंक रहा है कैसे भौंक रहा है। और मैं बब्जी से काफी दूर खड़ा हूँ ये देखो, क्योंकि लीश बहुत लंबी है ना। ओए होए चल बस कर बब्बे अब चलते हैं, हो गया घूम लिया इस तरफ ना, चलो। तो यहाँ सिर्फ ना रोशनी प्यार कर रही है, वो दूसरे वाला तो देख के भाग रहा है। देख रहा और तो मुझे बब्बे की गुड़गुड़ाहट भी आ रही है, तो अंदर जाने की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है इसकी। रोशनी कह रही है किससे पकड़ा हुआ है, बहुत लंबी है पापा। हाँ मेरे बच्चों मेरे कपड़े फिर खराब कर दिए तुमने, चलो चले बब्बे चलो, चल बस हो गया हो गया। चल आ जाओ आ जाओ रोशनी, तू भी आ जाओ उधर थोड़ी देर बेटा, तेरे को खाना दे देंगे, आ जाओ। हाँ शुशु अपना जरूर छोड़ेगा क्योंकि वो वहां से देख रहा है, देख रहे हो छोड़ेगा जरूर अपना ड्रेस, कह रहा मेरे लिए कोई बॉर्डर नहीं। चलो तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5 और चश्मा लगाया मैंने क्योंकि हाँ मैं और राहुल अभी कहीं से आ रहे थे, तो यहाँ पे ना दिल्ली में धूप छाव का ना कॉम्बिनेशन चल रहा है, बारिश हो रही है, अब ह्यूमिडिटी बढ़ गई क्योंकि धूप आ गई है। वैसे सुबह से मौसम बहुत चकाचक और मस्त बारिश वाला और अच्छा मौसम हो रहा था बिना ह्यूमिडिटी के। तो हाँ राहुल और मैं गोलगप्पे खाने गए थे तो मैंने मतलब ड्राइव कर रही थी, तो मेरे को ना आजकल दिक्कत हो रही है ड्राइव करते वक्त जब आंखों में रोशनी पड़ती है, एक तो मेरा नंबर है वैसे भी और उसके बाद बिल्कुल ही ना ब्लैकआउट सा होता है ड्राइव करते टाइम, तो इसीलिए पहना हुआ है। तो अब केस नहीं है, केस के बिना अगर मैं ऐसे लगा लूंगी तो स्क्रैच पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा उससे बेटर आंखों पे लगा लो। और यहाँ पे सन्नी पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सन्नी, सबको अपने पीछे घुमा रहा है। हाँ बब्बे क्या ढूंढ रहा है, बब्स बब्जी अपने घर में पानी नहीं पिएगा, बाहर आके इसको सारे पानी और अमृत चखने, इनके पीछे पीछे चार्ली बना हुआ है और चार्ली की टांग आज ठीक है, किसी दिन इसकी टांग खराब हो जाती है किसी दिन इसकी टांग ठीक हो जाती है। क्या हुआ चार्ल्स बैठो, चलो कहाँ हुआ आज इसकी टांग, आज तो टांग ठीक है इसकी, आज तो टांग ठीक है चार्ली की। तो जोई भागती हुई आ रही है, सनी सनी इनको पीछे पीछे क्यों घुमा रहे अपने, तो ये इसने नया ट्रेंड शुरू कर दिया डंडा लेके ना इन्हें अपने पीछे पीछे भगाता है बॉल के लालच में, बॉल रख लेगा एक हाथ में और डंडा लेके, मतलब ये तूने नया ड्रामा शुरू कर दिया यार, ये भी सही है इससे थक जाते होंगे। और जोई इर्द गिर्द ही घूमी जा रही है पता नहीं क्या ही कर रही है, क्योंकि ना जोई कह रही है मेरे को तेरे साथ लाइन में नहीं चलना,
मैं बीच में पार्क में घूमूंगी, जब बॉल मिलेगी तब मिलेगी, नहीं तो ना से। अब सनी ने बॉल फाइनली फेंक दी है, देखो 1 2 3 कौन नहीं गया, बब्जी नहीं भागा, कहाँ है बब्जी, बोला अकेला। वो कहते मैं जंगल का राजा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ लड़की, इधर उधर भागू। आई एम अ मैन ऑफ क्लास, आई एम वेरी क्लासी। ओला थक गई आज, ओला हाँ फ्री है, ओला चीटिंग कर रही है, ओला आधे रास्ते की चीटिंग कर गई ओला। लेकिन देखो जोई ना ओला से भी ज्यादा फास्ट है भाई, जोई बड़ी तेज है यार। चार्ली और बब्जी कॉम्पिटिशन का पार्ट नहीं है, बब्जी मेरे पास चाहिए, चार्ली मेरे पास आ गया। क्या हुआ चार, हाँ क्या सुन रहा है मेरे अंदर, सिट, क्या हो गया आज, तेरे से बातें कर ले थोड़ी बहुत है, तू भी खेल ले बॉल। ओला चीटिंग कर रही है, ओला इज अ चीटर, ओला चीटिंग कर रही है देख ले, आधे रास्ते खड़ी हो जाती है क्योंकि अब भाग नहीं पाती उतनी तेज जितनी तेज जोई भागती है और क्लोडो भागती है। अरे सनी क्यों तो धोखा दे रहा है उनका, ओला देखना आधे रास्ते खड़ी हुई कितनी चलाक है, फिर भी नहीं ले पाएगी बॉल क्योंकि जोई और क्लोडो इतनी वो है फास्ट। और बब्जी कह रहा है मैं तो चल ही नहीं पा रहा, मैं तो उठ ही नहीं पा रहा वहां से, क्या बब्जी है, ले आई बॉल, ले आई, कौन लाई है, क्लोडो लाई है, क्लोडो अपनी माँ से ज्यादा फास्ट हो गई है, ओला की बस की नहीं रही है, ओला हाफ रही है देख लो, वजन बढ़ गया है ना इसका, एडल्ट हो गई है। जोई जोई ओला मतलब पहले आधे रास्ते खड़ी थी, फिर भी ना जोई तेज है तो जोई पहले पहुंच गई वहां पे, बॉल तो ओला के उसमें ही आई है, बब्जी वहां पहुंच गया, टूट बोतल को क्रश करने बैठा, तीनों लड़कियां आपस में बॉल की लड़ाइयां लड़ रही हैं। बॉल है किसके पास, ओला के पास, चलो बाकी चार्ली यहाँ पे अकेला घूम रहा है। तो बस गाइस मैं भी घर ही जा रही हूँ अब, आज तो जिम की छुट्टी करी है क्योंकि ना पहले बारिश हो रही थी तो सनी सरने का बारिश हो रही है तो मैं नहीं आऊँगा, फिर रुक गई वो कह रहे मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा अब तो मैंने मन बना लिया ना जिम जाने का तो अब मत आओ, और वैसे भी शिवाई की मैडम आने वाली है तो उसको भी सेटल करते हैं क्लास के, तो जाके चश्मा भी उतारती हूँ, आज ब्लॉग लग रहा है चश्मे में ही बनेगा।